सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के साथ बारिश से हो रहे नुकसान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, साथ ही आपदा प्रबंधन सचिव को सभी जिलाधिकारियों से समन्वय बनाने को कहा। उन्होंने सभी जिलों में सड़कों की मरम्मत में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को चारधाम यात्रा के मद्देनजर भी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने का भरोसा दिया। तो किसानों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया है, आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। चारधाम की तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र सीएम धामी पहुंचे हैं। सीएम ने बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा की है। बारिश के मद्देनजर सभी जिलों को अलर्ट किया गया। सभी जिलों में लगातार जो आपदा से बचाव के लिए, अतिवृष्टि से बचाव के लिए चाहे वो हमारी एसटीआर हो, आपदा प्रबंधन हो, जिले की टीम है और हमारे यहाँ के सचिवालय के स्तर पर सभी को तैयारी के लिए कहा है। सभी तैयार भी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर चार जनपदों में ज़्यादा बारिश हुई है। पिथौरागढ़ चंपावत हाईवे बंद हुआ था, उसको भी खोला जा रहा है। अन्य स्थानों पर अभी सभी जगह यातायात सुचारू रूप से चालू है। PWD और अन्य विभाग में हमारे मलबा आने के कारण से जहाँ पर भी ऐसी संभावना है कि सड़क बाधित हो सकती है, तो उस सबको चालू करवाने के सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं और आगे सभी स्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। तो जो खेती का कृषकों का भी इसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कृषि विभाग करेगा और उसमें भी जो समुचित रूप से जरूरी होगा सहायता के रूप में सरकार उसको भी करेगी। जोशी